पडल मैदान में चल रही 22वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बुशू प्रतियोगिता में मंगलवार को कई अहम मुकाबले खेले गए, जिसमें गर्ल्स मुकाबले में पहला मैच हरियाणा व महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा की मीनू ने महाराष्ट्र की युगंधरा को हराकर मैच अपने नाम किया। वहीं दूसरा मैच मणिपुर और उत्तराखंड में खेला जाएगा। भारतीय बुशू संघ के चीफ सोहेल बटियाल और हिमाचल प्रदेश के महासचिव PN आजाद ने बताया, आज बुशू के बेहद ही रोचक मुकाबले बॉयज और गर्ल्स में खेले गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बुशू बहुत अच्छा टैलेंट है, यहाँ स्थायी आधारभूत ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वुशु संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश में वुशु प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वुशु प्रशिक्षण केंद्र खुलने से हिमाचल के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी सर, मैं सुहेल, भारतीय वुशु संघ की ओर से हिमाचल की धरती पर आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप वुशु प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं। और मैं बताना भी चाहूँगा कि वुशु हिमाचल में बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय आए थे, उन्होंने भी और माननीय मुख्यमंत्री से हमने अनुरोध किया है कि वहाँ एक अच्छा सेंटर देंगे, तो निश्चित रूप से हिमाचल के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वुशु के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका के अंदर वर्ल्ड गेम की शुरुआत हुई है, उसमें भारत का खिलाड़ी सनमा ब्रह्मा ने क्वालिफाई किया और वो आज उसका प्रदर्शन है। हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि उसका अच्छा प्रदर्शन होगा। और वुशु जिस तरह से अन्य मार्शल आर्टों से आगे चल रहा है, तो निरंतर बढ़ता रहेगा। कंटिन्यूएशन गेम्स में हम मेडल दे रहे हैं। 2022 में जो एशियन गेम्स होने थे, अब 23 में हैं। हमें उम्मीद है कि लास्ट हमारे 4 मेडल थे, इस बार हम इसकी संख्या को 6 तक ले जाएंगे। उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जितना बढ़िया आयोजन किया है हिमाचल प्रदेश वुशु संघ की ओर से, मिनाज जी का, आज़ाद जी का, डीएसओ साहब का, मैं वुशु संघ की ओर से सबका धन्यवाद करता हूँ। जी सर, PN आजाद, जनशक्ति हिमाचल प्रदेश वुशु संघ। ये हमारा सौभाग्य है कि 22वीं सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है वो भारतीय वुशु संघ के अंथक प्रयासों से, और सुहेल अहमद, BS बाजवा जी जो कि हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय वुशु संघ से, जितेंद्र बाजवा जी, उनके आशीर्वाद से ऐतिहासिक पटल जो है वो मंडी में इसका शुभारंभ जो है वो महामहिम राज्यपाल द्वारा जो है वो 10 तारीख को किया गया। इसमें 35 जो है वो हमारी यूनिट आई है, जिसके 1300 खिलाड़ी है, और हमारे जो इंटरनेशनल रेफरी और स्टेटों के प्रेजिडेंट एवं सेक्टी को मिलाकर जो है वो 15 से ऊपर यहाँ संख्या है। आज जो है वो हमारी सांसू की और तालू की दोनों प्रतियोगिता चल रही है। मैं खेल विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका पूरा सहयोग जो है वो इस प्रतियोगिता को हमें मिला है। इसके साथ साथ उपायुक्त मंडी और सभी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज मंडी का सभी विभाग जो है वो इसमें अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश वुशु संघ के अध्यक्ष पाल मनहास जी का भी ये प्रयास है, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो हाई कोर्ट है, और कल हमारे जो है वो जस्टिस हाई कोर्ट चंद्रभूषण बरवालिया जी जो विशेष रूप में कल की संध्या में मेडल टैली में जो है वो एज विशेष गेस्ट जो है वो आ रहे हैं, वो बच्चों को आशीर्वाद देंगे। ये एक इतिहास होगा स्पोर्ट्स के इस क्षेत्र में कि हाई कोर्ट का जस्टिस जो है वो बच्चों के बीच में आ रहा है, तो हम उनका भी कल जो है वो सभी के देश के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ियों की तरफ से जो है वो उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ मैं जो है हमने राज्य वुशु संघ की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी निवेदन किया है कि पूरे भारतवर्ष से जो इस छोटी काशी मंडी के ऐतिहासिक पटल में जो है वो छोटे बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने 14 तारीख को जो है वो पूरा हमें आश्वासन दिया है कि बच्चों को आशीर्वाद देंगे, और हमारा प्रयास है कि वो बच्चे आए। और जो 1300 खिलाड़ी हैं, इसमें जो मेडल टैली रहेगी, ऑल ओवर चैम्पियनशिप बनेगा हमारे इस छोटी काशी में, उस ट्रॉफी को जो है वो अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।